हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह के बजे हैं 6 और मेरे साथ आज एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ ये हो गई है कि मैं आज साइकिल राइड पे नहीं जा रहा हूँ। आपने देखा था लास्ट व्लॉग में मैं साइकिल राइड पे गया था और मैंने बहुत एंजॉय किया था। आज भी मैं जाना चाहता था लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। उसका एक रीज़न है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो दिस इज़ द रीज़न, आज मैं सुबह देखा तो उसमें हवा नहीं है, पंचर हो गई है और ये सेकंड साइकिल है, ये भी पंचर हो गई। तो हुआ ये है कि दोनों साइकिलें पंचर हो गई हैं और बिना साइकिल के मैं कैसे राइड पे जा, और मेरे पास कोई साइकिल की पंचर किट नहीं है। ना मैंने पंचर लगाना सीखा है, ना मैंने टायर चेंज करना सीखा है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं क्या करूँ। अगर आप मेरे व्लॉग शुरू से देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मेरी हेल्थ खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने वॉक स्टार्ट की थी और वॉक के बाद साइकिलिंग स्टार्ट की थी। साइकिलिंग की तो मुझे आदत हो गई है, लेकिन बीच में एक दो बार मैंने रनिंग शुरू की थी लेकिन रनिंग में अच्छे से कर नहीं पाया था। आज मैं कोशिश करना चाहता हूं कि मैं रनिंग करूं। If you keep this up, then I'll let you in, 'cause you have a way with me like no one else. Yeah, you almost make me fall in love. Yeah, you got me hypnotized under your spell. I know I'll go home with you tonight. तो अभी मैं जा रहा हूं तुषार के पास कि मुझे शूट करने के लिए एक बंदा चाहिए। अभी तक तो मैंने जो शूट किया खुद ही शूट कर लिया। तुषार के घर जा रहा हूं और उसके बाद मैं रनिंग की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बड़ी तैयारी कर ली है, शूज पहन लिए, लस्सी की बोतल तैयार कर ली है। भागना आज मुझे थोड़ा सा भागना, 1 किलोमीटर। भाई 1 किलोमीटर भागना भी बहुत मुश्किल होता है। मैंने पहले ट्राई की है 1-2 बार लेकिन मेरे से भागा नहीं गया था। मतलब 1 किलोमीटर में मेरी जान निकल गई थी। फिर मेरे को कोविड हो गया था, मैं वीक हो गया था, तो मैं डर गया था, मैं भाग नहीं रहा था। अब मैं अपने आप को बेटर फील कर रहा हूँ और आज मुझे भागना है। मेरा जो टारगेट है वो 1 किलोमीटर, सिर्फ 1 किलोमीटर है। लेकिन मेरे को साथ में कोई बंदा चाहिए जो थोड़ा बहुत मेरी हेल्प कर सके, मतलब जो मुझे थोड़ा पुश कर सके, जो मुझे थोड़ा बहुत शूट कर सके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। थोड़ा अंधेरा हो रहा है लेकिन मैंने सनग्लास पहने, इसलिए लग रहा है मुझे ये। तुषार आ चुका है गाड़ी में और तुषार क्योंकि अच्छी रनिंग करता है, 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर बड़े आराम से दौड़ लेता है। तुषार से मैंने सलाह ली है कि कहाँ पे रनिंग करनी चाहिए। तो तुषार बता रहा है कि जहाँ पे हम नॉर्मली साइकिलिंग करने कैफी के साथ गए हैं सामने वो जगह है, तो वहाँ चलते हैं क्योंकि वहाँ सुनसान भी है और वो कच्चा भी है। पक्की रोड नहीं है क्योंकि कच्चे पे भागना चाहिए, पक्के पे नहीं भागना चाहिए। मेरे दलजीत भाई जो है वो रनिंग कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से और उन्होंने बताया कि उनके नीज में ना गोड्डों में दर्द होना शुरू हो गया क्योंकि वो पक्के पे भाग रहे थे। पर मेरे को ना अंदर से दिक 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 हो रहा है कि मैं भाग भी पाऊंगा कि नहीं भाग पाऊंगा। ओ लोकेशन पे पहुंच गया है, इतनी बढ़िया हवा चल रही है, बढ़िया वेदर है। काश इस समय हमारे पास 2 बियर होती और थोड़ा सा चिकन तो मजा आ जाता यार। वैसे यहाँ बियर पीने का मजा बहुत आएगा शाम को। रनिंग करने आया। अच्छा रनिंग करने आया। सीधा एकदम से जाते हैं, ऐसे नहीं कि आप उठे, ठीक है आपने कुछ खाया, ड्राई फ्रूट लिया और आप भागना शुरू कर दो। वॉक करो, ट्राई विद वॉक, फिर उसके बाद यू कैन रन। मतलब जैसे 1 किलोमीटर भागना है तो कम से कम 300-400 मीटर वॉक करो। तो ठीक है जी, पहले 300 मीटर इसने मेरे को वॉक करने को कहा, तो पहले मैं 300 मीटर वॉक करके आता हूँ, उसके बाद मैं रन करूँ, ठीक है। स्ट्रेच तो हमारे कोच साहब हमें जो जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे हम करेंगे। तो वॉक स्टार्ट कर दी है, वॉक में मेरा साथ मेरे कोच साहब भी मुझे दे रहे हैं। कितना लकी हूँ मैं ना कि इतनी खूबसूरत जगह के आसपास रहता हूँ। तो 300 मीटर यार वहाँ तक हो जाएगा जहाँ वो झुकी है। एक प्रॉब्लम और होगी, तुषार कह रहा है मेरे शूज़ ठीक नहीं है, फ्लैट शूज़ हैं। फ्लैट फुट रहता है वो, रनिंग में इजी नहीं रहता, स्पोर्ट शूज़ बेटर रहते हैं। अब यार मिले ही नहीं मेरे पास नाइकी के बड़े अच्छे रनिंग शूज़ हैं, मिले ही नहीं। मैं सुबह सुबह ढूंढ रहा हूँ, कितने दिन से पहने नहीं है मैंने, मेरे को मिले नहीं। कल ढूंढ लूँगा मैं, कल से नाइकी में, और व्लॉग में लगेगा भी ना, थोड़ा महंगा भी लगेगा कि बजट है हमारा। 300 मीटर की वॉक और उसके बाद कच्चे में भागना। बड़ा बनने चला मैं सलमान खान। टोपी तो ढीली है मेरी। वो यार नाड़ा भी टाइट कर लूंगा, ये बहुत जरूरी है। पहले मैं मेरा टिप था ये कि जब भी रनिंग करनी है ना, ये जो होता है ना, मतलब हम तो इसे नाड़ा बोलते हैं, तुम पता नहीं क्या बोलते हो, इसे कस के बांध लेना चाहिए। लाइफ ओवर एवरेज इंडियन। तो 300 मीटर मैंने रनिंग, 300 मीटर मैंने वॉक की है। तो स्ट्रेचिंग शुरू, अल्टरनेट लेग। अच्छा, बॉडी स्ट्रेट, अपर बैक। दूसरी कहते ना खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता, हमारी साइकिल को देख के साइकिल रंग बदल गई। एक साइकिल पंचर हुई, दूसरी कहती मैं भी पंचर हो जाऊंगी, वो भी पंचर हो गई, और दोनों के पिछले टायर पंचर हुए हैं। अभी सुबह एक तो कल ही हो गया था। हाँ। मैंने कहा चलो ये दिन में लगवा लेंगे हम पंचर। हाँ। टाइम नहीं लगा मैं कहा, फिर मैंने सोचा चल छोड़, मैं अपनी साइकिल तो चलाऊंगा। शाम भी देखी मेरी वाली भी पंचर। कर लो क्यों नु भांडा,
इसका मतलब क्या होता है यार, क्यों नहीं बन रहा? बोलते वो समझ नहीं आता। तो फाइनली पीटी उषा जी तैयार है रनिंग करने के लिए। ये वाली हमारी देसी होती है, ये भी कर ले, इंडियन उसेन बोल्ट। तो जिसमें हम साइकिलिंग रिकॉर्ड करते हैं उसी में रनिंग रिकॉर्ड हो जाती है। ये ऐप है स्ट्रावा, इसका नाम है, पर हम स्टारवा बोलते हैं पंजाब में इसको। हमसे स्ट्रावा बोला नहीं जाता, स्टारवा बोलते हैं हम। और यहाँ से स्टार्ट, और मैं उधर जाऊंगा। तो फाइनली 1 किलोमीटर टोटल टाइम लगा मुझे 7:27। तो जो लोग रनिंग करते हैं, खास तौर पे मेरे सनत भाई देखो इतने टाइम में गिरे। ठीक है, आज वेदर बहुत अच्छा है, वेदर ने मेरा साथ दिया, तुषार ने मेरा साथ दिया। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लग रहा तो लाइक कर देना, कम से कम 50 लाइक तो कर दिया करो यार, 50 भी नहीं होते मेरे वीडियो पे। आप गाने सुनते हैं कॉपीराइट आ जाएगा, गाना कौन सा सुन रहे हैं दिखा देते हैं। तो हम लोग जूस पीने जा रहे थे, तो सोच रहे थे कि सन्नी को भी साथ में ले लेते हैं, सन्नी के साथ मजा आता है। राइड तो नहीं की सुबह सुबह, पर जूस तो उसको पिला ही सकते हैं। कॉल करते हैं उसको। हे सिरी, तेरी सुनी नहीं थी सिरी की। हे सिरी, कॉल आर सनी। कॉलिंग आर सनी। पंचर करा लिया? पंचर साइकिल को करा लिया, खुद को थोड़ी ना हुआ पंचर। पर दोनों को करा लिया यार, मुझे नहीं, सच्ची कह रहा हूँ, दोनों का पंचर हुए। तेरी तरह बहाने नहीं मारता मैं। हूँ क्या, मैं रनिंग करके आया हूँ आज। क्या बात है, कहाँ पे? गाड़ी में हूँ। नहीं, कहाँ करके आया? वो आके बताऊंगा तेरे को। तू है कहाँ? मैं घर पे। मैं तेरे घर आ रहा हूँ गाड़ी पे। तो मेरे साथ 5 लीटर जूस पीने चल, तुषार मेरे साथ है, उसके बाद वापस तेरे को ड्रॉप कर दूंगा। चल आया 2 मिनट में। वैल्यू ही नहीं मेरी, फोन काट लिया। बात भी नहीं सुनी। जूस की बात होगी, बस जूस मिल रहा है। आज का वीडियो का टाइटल क्या रखना, मैं ये सोच रहा था, इतने में आ गया फोन। एक मिनट यार, सुबह कौन कर रहा है यार? हेलो, शॉप जी 10 बजे खुल जाती है जी। मैं ना टाइटल कुछ इंटरेस्टिंग रखना चाह रहा हूँ तुषार, जैसे कल वाले व्लॉग का मैंने डाल दिया, माय लास्ट व्लॉग, तो आज का क्या होना? फिर व्यू 15-20 ज्यादा आ जाते हैं अगर मेरा टाइटल अच्छा हो। प्रैक्टिसिंग फॉर ओलंपिक्स। पहुंच गए सन्नी के घर। आ गया ना कुछ? हाँ हाँ, आगे बात। सीट पीछे कर दियो। तो जेबी को बैठाया था? नहीं नहीं नहीं, वो कुछ सामान था शॉप का। हाय सर, हाउ आर यू? फाइन फाइन। तू गया था साइकिलिंग पे? ना, मैं उठा था। शेव करी होगी उठ के? शेव तो मैंने कर ली सुबह। तुषार तुम भी नहीं गए? ये कैसे जाता? रनिंग कर करके आया। कैफी के साथ नहीं मैं गया था? हाँ। साइकिलिंग करने वो खेतों वाली साइड, वहाँ रनिंग करके आया। कितने किलोमीटर? भाई मैंने शुरू की है अभी, 1 किलोमीटर की है। बहुत बड़ी अचीवमेंट कर दी यार। तू मजाक उड़ा रहा है? ज्यादा मुश्किल भी नहीं लगी, कहने का मतलब ज्यादा आसान भी नहीं। आप भी करते हो ना रनिंग? मैं रनिंग करता हूँ। कितने कितने वैसे? 10 किलोमीटर लेक पे बताऊं क्या, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आन जान 6 किलोमीटर होता है। आज की जो पार्टी है वो कंट्री है, 60 रुपए मेरे पास है, बाकी कुछ तो चार के पास है, बाकी सन्नी भाई देगा जितने भी होंगे। पहला भी 60 रुपए लाता है। नहीं भी आएगा, आएगा। तू अपने बाहर रख रहा, तूने पेमेंट कर रही है? ये पूरा ट्रैक 1 किलोमीटर का, मतलब ये पूरा चक्कर। मैं एक दो बार यहाँ पे सैर करी, मुझे लगा बहुत बड़ा है। मेरे जो ऊपर टेनेंट है ना, ऊपर कितने राउंड लगाता है इसके? 25 राउंड लगाता है इसका पैदल। गाड़ी लेके आता है। ये शूज बढ़िया दे रहे हैं ना ये, ना इसकी ये ग्रिप है ना, ये अच्छा है इसका। पहले सोचा था लेक की तरफ चलता हूँ साइकिलिंग करके, मौसम मुझे लगा कि यार। वैसे तेरी ये बड़ी गलत बात है, जब कोई ना आए तो कभी नहीं करता। दलजीत भी तो गया है, छोटा कर लेता चक्कर, ये 5 सीटर काट लेता, साइकिल तो निकालता। तेरी साइकिल कोई आदत नहीं रहनी साइकिल चलने की। लोग कहते हैं व्लॉग डालो, मेरे पास कंटेंट ही नहीं है। मैं सोच रहा हूँ काम कुम छोड़ दूँ, व्लॉगिंग ही शुरू कर दूँ। वैसे भी सन्नी 55 का हो गया, मैं 50 का होने वाला हूँ। नहीं नहीं, मारी जा रहा। आप नहीं मजा करेंगे तो कब मजा करेंगे? सन्नी को और तुषार को उनके घर छोड़ के मैं घर आ गया हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में। ओके बाय, टाटा। Keep this up and